अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स तो हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशंस यहाँ इसे हम इकोलॉजिकल हायरार्की भी कहते हैं तो कल हमने यहाँ तक फिनिश किया था वी वर हियर लैंडस्केप तक हमने क्लियर किया था इसके बाद आज हम थोड़ा बायोम के बारे में सीखेंगे देन बायोस्फीयर और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इकोसिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे ओके okay? सो so, यहाँ पे बायोम को जब हम देखते हैं व्हाट इज ए बायोम रिमेंबर दिस इज एक्चुअली आपको पता है सबसे बड़ा इको बड़ी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज बायोसफेयर तो दिस बायोम इज व्हाट इज़ दिस इट इज एक्चुअली देन इट इज सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट लेवल ऑफ ecological organization ठीक है इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद बायोस्फीयर के बाद होता क्या है ये एक्चुअली देखिए ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज होता है क्या लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें जिसमें याद रखेगा दो चीजें होती हैं एक जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक मीनस खास जो कि बाकी बायोम से मिलता नहीं है कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है या क्लाइमेटिक कंडीशन आप कह सकते हैं ठीक है एंड <coughs> इतना ही नहीं इसमें कोई ना कोई डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है डोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ पे आप जब देखते हैं डोमिनेंट वेजिटेशन मतलब क्या है कहने का मतलब यह है डोमिनेंट मीन जो कि सबसे ज्यादा एबंडेंट में होती है एबंडेंस में होती है एबंडेंट होते हैं वो प्लांट्स जो सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं उनको हम डोमिनेंट प्लांट्स कहते हैं या डोमिनेंट वेजिटेशन कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट क्या होता है ये कोई ख़ास क्लाइमेट होता है जो कि एक बायोम का अपना ही क्लाइमेट होता है जो कि दूसरे बायोम से मिलता जुलता नहीं है यहाँ पे आप ऐसे समझिए सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा एक बायोम फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोज दिस इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके आपने और एक सुना होगा जैसे टम्परेट या ट्रापिकल ग्रास लैंड सीधे लिखते हैं ग्रास लैंडस ग्रास लैंड बायो में सुना होगा आपने सपोज दिस इज़ अ ग्रास लैंड बायो ये समझे आराम से कि ये बहुत ही बड़े जोग्राफिकल एरियाज होते हैं दिस इज़ अवज जोग्राफिकल एरिया ही जोग्राफिकल एरिया जिसमें करेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है ये वो क्लाइमेट होता है जो कि स्पेशली है कि इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का या ग्रास का यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें क्लाइमेट में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिटरमाइन करते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं टू तो डिफ्रेंश बिटवीन दिस बायोम क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी हम यूज़ करते हैं दो मेनली यूज़ करते हैं एक होता है टेम्परेचर टेम्परेचर एंड सेकेंड इज़ प्रेसिपिटेशन प्रसिपिटेशन याद रखेगा आज हम बायोम की डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं जस्ट कंसेप्ट आपके जहन में लाना है कि बायोम होता क्या है <coughs> हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायमोज अलग से पढ़ने हैं फिर तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर मेनली इम्पॉर्टेंट मेन इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बायोम क्या यह ट्रापिकल बोम है ट्रापिकल रेन फॉरेस्ट है क्या यह ग्रास लैंड है और कोई बायोम है सपोज डंड्रा है है वो आगे लेकिन अभी कंसेप्ट सीखिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन खास होती है ये ज़्यादा माने रखते हैं जब भी हम बायोम को डिफाइन करते हैं किसी बायोम को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे से और दूसरा पॉइंट क्या है कोई ना कोई डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ होगी सबसे ज़्यादा एबंडेंट वेजिटेशन होगी जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं याद रखेंगे सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे हमारी अर्थ है दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर आपको पता है दिस इज दीरो डिग्री लैटिट्यूड और आपको पता है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना यहाँ पे ये जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है आपको पता है कि यहीं पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो दिस रिजन ये रिजन जो है दिस रीजन इज़ हैविंग दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टस यहाँ बड़े बड़े ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे बड़े बड़े ट्रीज़ ओके okay? यहाँ पे फॉरेस्टस होंगे जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं अच्छा ग्रास लैंडस डिफरेंट एरियाज पे होते हैं यहाँ पर भी कुछ ग्रास लैंडस है अर्जेंटीना में अफ्रीका में डिफरेंट एरियाज में हैं ये ग्रास लैंडस ओके तो यहाँ एक समझाने वाली बात यह है कि जब आप ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखते हैं ये इक्वेटर के आसपास हैं है ना तो यहाँ पे इक्वेटर के पास ही आपको पता है कि सन रेज जो होती हैं सन जो होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं सन की रेज और ये थ्रोआउट द ईयर एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट रेज एंड होल ईयर में पड़ती हैं जितना आप ऊपर जाते हैं सपोज़ हम कैन ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के पास इंडिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली हमेशा थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे समर्स नहीं होते यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सन बहुत दूर रहता है जो कि साउथ में तब जाता है सन ठीक है यहाँ की तरफ तो यहाँ पे हमेशा सन ओवरहेड नहीं होता है लेकिन इक्वेटर के ओवरहेड हमेशा सन होता है थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर विंटर्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टम्परेचर जो होगा लाइट कंडीशनस बहुत अच्छी हैं लाइट भी बहुत ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी और कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी पानी ज़्यादा साइकिल करेगा तो साइकिलिंग जितनी होगी ग्रैनस जितने गिरेंगे उतनी ज़्यादा वेजिटेशन बनेगी तो टेम्परेचर लाइट एंड वाटर अवेलेबलिटी वाटर ये तीनों की अवेलेबलिटी यहाँ इन दिस इक्वेटर पे बहुत ज्यादा है तो यहां पे आप समझ सकते हैं यहां पे एक खास टाइप का क्लाइमेट होगा दैट विल बी हॉट हॉट एंड प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है प्रेसिपिटेशन आपको पता है क्या होती है कंडेंसेशन जब भी होती है वाटर पेपर्स की और वो किसी भी फॉर्म में जब जमीन पर गिरते हैं उससे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन चाहे है रेन हो स्नो हो स्लीट हो ठीक है तो ये ऐसी सारी है यहां पर कौन सा क्लाइमेट uh, होगा हॉट एंड वेट देखिए इसमें हमने दो ही कंडीशन को यूज़ किया है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो भी डिफ्रेंसीशन करने के लिए एक बायम और दूसरे बायो में मेन जो टेम क्लाइमेटिक कंडीशन हम यूज़ करते हैं दिस इज़ हॉट एंड वेट ठीक है यहाँ पे बड़े बड़े फॉरस होंगे वगैरह वगैरह तो यहाँ पे यहाँ पे, पे ये क्लाइमेटिक कंडीशन है और यहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेट वेजिटेशन होगी आप मुझे पता यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट होंगी कि ट्रीज़ डोमिनेट होंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबलिटी ऑफ द लाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिय साइकिल्स भी यहाँ ज़बरदस्त होंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट हो सकते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े फॉरेस्ट यहाँ कह सकते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वो डोमिनेट होंगे यहाँ पर सो दोनों चीज़ें याद रखेंगे एक लॉर्ज जोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं जिसमें करेक्टरिस्टिक क्लाइमेट होता है जो कि दूसरों करेक्टरिस्टिक मीन्स जो कि ख़ास इसी के लिए है ये क्लाइमेट बाकी जगहों पर आपको नहीं मिलेगा इस बायोम के लिए हमेशा ऐसा ही क्लाइमेट होगा जहाँ भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देखेंगे वहाँ हमेशा हॉट एंड वट क्लाइमेट होगा समझ आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक अब यहाँ पे ये ट्रीज़ होंगे आ डोमिनट वेजिटेशन कौन सी है यहाँ पे ट्रीज़ अब नेक्स्ट साइड में आप देखेंगे ग्रास लैंडस ग्रास लैंडस चाहे अर्जेंटीना के हों अफ्रीका की हों बाकी जगहों तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर होता है वो भी दरमियाना होता है ना ज़्यादा ना कम इसी तरह से आपका रेनफॉल या आप जनरली कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन भी दरमियान कस्म की होती है तो समझ सकते हैं कि यहाँ का यहाँ का माइल्ड टेंपरेचर एंड माइल्ड रेनफॉल होता है तो यहाँ माइल्ड टेंपरेचर एंड माइल्ड रेनफॉल या माइल्ड प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हैं ये यह यहाँ पे है तो हो गया क्लाइमेट वाला अब यहाँ पे कोई ना कोई डॉमिनेट वेजिटेशन होगी आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या ये सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं कम ही क्योंकि यहाँ पे उतनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है यहाँ उतने सपोर्ट नहीं हो और भी काफ़ी सारी कंडीशनस होती हैं ये खाली लाइट एंड हीट पर नहीं है बाकी चीज़ भी होते हैं लेकिन ये भी लाइट एंड जो टेम्परेचर एंड प्रेसेशन ये मेन डिटर्मेंट्स है किस टाइप की वेजिटेशन होगी वहाँ पे तो यहाँ पे मोस्टली कौन से प्लांट्स अडाप्टेड होते हैं ग्रासेस तो यहां पे ग्रासेस होते हैं अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो डोमिनेंट वेजिटेशन है डोमिनेंट मीन मोस्ट अबेंडेंट तो यहाँ पे मोस्ट अबेंडेंट क्या होंगे ग्रासेस इन ग्रास लैंड्स ऐसे ही काफी सारे बायोमोज हैं मुझे अभी बैोमोज नहीं पढ़ाने हैं लेकिन बायोमस का कंसेप्ट देना था कि दो कंसेप्ट होते हैं बायोमस में एक तो एक करेक्ट्रिस्टिक क्लाइमेट होता है वहां का जिसमें प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर को हम मेनली लेते हैं और दूसरा वहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेंट वेजिटेशन होती है और अक्सर 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 उसी डोमिनेंट वेजिटेशन पे ही उस बायोम को नाम दिया जाता है जैसे यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हैं इनको क्या कहते हैं इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं ग्रास लैंडस बिकॉज डोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ पर क्या है ग्रासेस है तो इतना क्लियर हुआ आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे जहन में आता है कि किसी भी जगह पर क्लाइमेट जो होता है क्लाइमेट जो होता है बाकी कंडीशन भी लेकिन क्लाइमेट मेनली डिटरमाइन करता है कि वहाँ का फ्लोरा एंड वहाँ का फाना क्या होगा कितना डायवर्स होगा किस किस्म के होंगे क्योंकि फ्लोरा एंड फाना जो होते हैं फ्लोरा प्लांट्स ओके एंड फाना और कलेक्टिवली फाना किसे कहते हैं हम एनिमल्स तो चूँकि प्लांट्स एंड एनिमल्स कहीं पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस लिए है वहाँ पर क्योंकि वो वहाँ की कंडीशन में अडाप्टड है और कंडीशन में सबसे मेन कंडीशन डिटरमाइन करती है दैट इज़ क्लाइमेट एक अहम कंडीशन होती है किस किस्म का क्लाइमेट कहाँ पे होगा उसी हिसाब से वहाँ का फ्लोरा एंड फाना होगा और आप समझ सकते हैं अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डायवर्स प्लांट्स मिलते हैं बहुत और यहाँ पे ट्रीज़ जहाँ पे बहुत ट्रीज़ भी होंगे श्रब्स भी होंगे ग्रास भी होंगे सब कुछ होंगे मगर मोस्टली अब ट्रीज़ होंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितने डाइवर्स प्लांट्स एंड प्लांट्स होंगे तो इसी की वजह से यहाँ पर एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी बट डाइवर्सिटी यहाँ पर मेनली किसने डिटरमाइन की यहाँ के क्लाइमेट ने यहाँ की क्लाइमेट नहीं जितना आप फिर पोल्स की तरफ जाएंगे वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं रहती और वहाँ की डाइवर्सिटी वैसी कम कम हो जाती है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यही है कि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करता है कितनी अबेंडेंस किस किस्म का फ्लोरा है किस किस्म का फाना है या कितनी अबेंडेंस किसकी है जैसे पोलर बियर आपको वो इक्वेटर पर नहीं मिलेगा समझ आ रहा है क्योंकि उसकी अडाप्टशन वहीं पर है तो इट इज़ समथिंग दैट यू टू रिमेंबर अब यहाँ पे बायोमज़ में अलग से पढ़ाऊँगा आपकी जो श्री रामस है उसमें बायोमज़ को बस उसने महदूद रखा है कि इस तरह कहा कि ये बस टेरिस्ट्रियल होते हैं नहीं हम एक्वेटिक बायोमज़ भी होते हैं वो पढ़ेंगे लेकिन अभी बायोमज़ की तरफ नहीं जाना है अभी हमें बायोस्फीयर को देखना है लेकिन एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि हाँ बस इतना काफ़ी है मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा ठीक है ये आप बताएंगे मुझे ये बताएंगे इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस ठीक है इको रिजन्स थोड़ा सा आप भी वर्क करेंगे होमवर्क करेंगे तो आपकी जो इसके साथ इकोलॉजी के साथ जो आपकी इंट्रैक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी फिर बायो रिजन्स ओके एंड इनमें डिफरेंस बताइएगा बायो जियो ग्राफिकल आप नेट भी यूज कर सकते हो okay? ओके मैं चाहता हूं कि आप ये आपको समझ आएगा लेकिन हिंट मैं देता हूँ ताकि आप ये भी समझ जाएं ओके okay? तो इतना क्लियर है अब नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे दैट इज नेक्स्ट लेवल ऑफ हायर जो कि टॉप मोस्ट लेवल है इकोलॉजिकल हायर जो सबसे ऊपर है दैट इज बायोस्फीयर क्या है ये बायोस्फीयर मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हम देखेंगे ये वो रीजन है जहां पे लाइफ एग्जिस्टिंग है अर्थ का वो रीजन जहां पे लाइफ एग्जिस्टिंग कहां पे होता है अगर हम अर्थ की बात करते हैं क्रस्ट है फिर सॉरी ये कोर है फिर मेंटल है फिर उसके बाद ये क्रस्ट है क्रस्ट का जो ऊपर वाला रीजन है वहां पर लाइफ है ओके क्रस्ट के ऊपर वाले रीजन में यहां पर लाइफ है इसी तरह से यहाँ पे क्रस्ट को हम ऊपर वाले रीजन को इट्स कॉल्ड लेथोसुफियर अपर लिथोसुफियर अपर लिथोसुफियर में लाइफ है इसी तरह से जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं वी से दे आर कॉल्ड हाइड्रोसोफियर और हाइड्रोसोफियर के ऊपर वाले रीजन में ऊपर वाले रीजन में लाइफ अवेलेबल है लाइफ एग्जिस्टिंग है इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर है ऊपर ऊपर एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत कम है तो नीचे नीचे लेवल में ये लाइफ पॉसिबल है बेसिकली ये जो ट्रांजिशनल रीजन है जो मैंने ऐसे डायग्रामेटिक आपको दिखाया था तीन रिजन जहाँ पे यूनाइट होते हैं एक होता है एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोसफियर एंड लिथोसफियर ये जहाँ पे यूनाइट होते हैं दैट जोन इज़ कॉल्ड बायोसुफियर लेकिन आप ये समझेंगे शॉर्ट में कि हैबिटेबल स्पेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज जहाँ पे भी अर्थ पे है दैट इज़ नोन एज बायोस्फियर आप अगर हमारे अर्थ में जब हम देखते हैं अगर हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं इक्वेटर की तरफ जाते हैं सॉरी पोल्स की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिज आर नॉट हैबिटेबल यहाँ पे कंडीशन नहीं है वैसे कि यहाँ पे कोई लाइफ रह सकती है सो दीज दीज विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बायोस्फेर आप अल्टीट्यूडनली आप देखेंगे आप बड़े माउंटेन पे टॉप पे जाते हैं और टॉप पे आप देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है या बाकी चीज़ें यहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट सो दिस विल आल्सो नॉट कम इन दिस विल नॉट कम इन बाइसफेयर सो बेसिकली आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ वेरी डीप वाटर्स जो होंगे वहाँ पर भी हैबिटेबल नहीं है सो so, जहाँ पे भी हैबिटेबल स्पेस है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजमस वो बायोस्फीयर कहलाता है एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बस बायोस्फीयर के बारे में इतना ही आप याद रखेंगे नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू मूव टू वन ऑफ़ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एवरीबॉडी दैट इज़ इको सिस्टम ओके तो अच्छे से समझिएगा ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा इधर उधर इकोसिस्टम लेकिन आज थोड़ा डिफरेंटली आप पढ़ेंगे इको सिस्टम Eco आज इसका कंसेप्ट सीखते हैं ओके okay? पहले पहले हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे वरी आप टेंशन नहीं लीजिएगा मैं फिर सिलेबस इजीली फिनिश करूँगा लेकिन पहले आपका टेस्ट बनना चाहिए आपको इकोलॉजी में उतारना है पहले यू हैव टू बी मतलब इसके साथ जब आपका टेस्ट मिलेगा फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा इको सिस्टम यहां लिखते हैं सपोज इसके साथ लिखते हैं इसके साथ इसके कंपोनेंट्स भी एंड इट्स कंपोनेंट्स ओके बेसिकली आज हम इको सिस्टम के ही कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब देखिए इको सिस्टम जो है इसे हम कभी इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं फर्स्ट पॉइंट इको लॉजिकल मैं आज थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं सिस्टम और मैंने व्हाइट पेन भी यूज किया अच्छी सजेशन थी किसी की थैंक्स इकोलॉजिकल सिस्टम यहां पे देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि यह टर्म किसने दी है वहां पे या तो ये ऑप्शन होगी आर्थर टेंसले यह ऑप्शन इन 1935 अगर ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी तो वहाँ पे यह ऑप्शन होगी याद रखेगा रॉय कैल्फम देते हैं कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में 1930 बेसिकली क्या कन्फ्यूजन है इसमें एक्चुअली टर्म इसी ने दी थी रॉय कैल्फम ने लेकिन इसने इस टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था तो नाम क्रेडिट उसी को गया जिसने इसको एक्सप्लेन किया ना कि जिसने पहले दी समझ आ रहा है तो बुक्स में यही लिखा जाता है आर्थर टेनिस ए टेनिस लिखा जाता है ही वॉज एक्चुअली एन इंग्लिश बॉटनिस्ट जो बॉटनिस्ट मीनस जो प्लांट्स को स्टडी करता है अब यहां पे इकोसिस्टम जो है है क्या बेसिकली व्हाट इज दिस देखिए याद रखिएगा ये एक सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रेगुलेटिंग आप साथ साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बड़ा मजा आएगा आपको भी सेल्फ सस्टेन सेल्फ रेगुलेटिंग कामा ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ये हुए एक डेफिनेशन में खुद की लिख रहा हूं ओके मेड अप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी मेड अप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट या बायोटिक एनवायरनमेंट वेयर जहां पे क्या होता है Wherein wherein interactions interactions occur via energy flow and recycling of मैटर यहां पे मैं ये सारे डिफिनीशन खुद की लिख रहा हूँ उसको यहाँ यहां पे थोड़ा सा ऐड करूँ सेल्फ सस्टेन सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटिंग फिजिकली डिफाइंड ना फिजिकली हाँ विथ फिजिकली डिफाइंड स्पेस फिजिकली डिफाइंड स्पेस अब ये सारी चीजें आप समझेगा इतना ही समझ लिया तो मानो आपने इकोसिस्टम समझ लिया ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या है अंडरस्टैंड कीजिए ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से सिखाता हूँ ऐसे ये समझ नहीं आएगा क्या होता है इकोसिस्टम आपको मैंने बताया था कल कि इकोसिस्टम क्या है सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इकोसिस्टम लेता हूँ सपोज़ ये लैंड पे के एक इकोसिस्टम है जहाँ पे हम देखते हैं बाजबता सन है ठीक है इसकी सन रेज आ रही है यहां पे सपोज एक प्लांट है दिस इज अ प्लांट ओके प्लांट इस प्लांट को डेयर खाता है और डेयर को फिर लाइन कंज्यूम करता है सिंपल बनाते हैं इसको के okay? सिंपल तरीके से समझते हैं और फिर जाके लाइन डेयर हो या प्लांट हो इनकी जब डेथ होती है इन पे बैक्टीरिया एंड फंजे एक्ट करते हैं और ये इनको डिकम्पोज करते हैं बेसिकली जब लाइट प्लांट पे पड़ती है प्लांट यहाँ सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता है जैसे नाइट्रोजन है फास्फोरस है सल्फर है वाटर है पोटेशियम है कैल्शियम है तो इनको यूज़ करके और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इनको यूज़ करके ये मटेरियल बनाता है जो खुराक होता है अपने लिए और जो आगे इनको खाएंगे उनके लिए तो ये मटेरियल फिर आगे जाके यहाँ देखिए आप डेयर की तरफ आ जाता है थ्रू फूड तो यहाँ से फूड के जरिए डेयर में मटेरियल आ जाता है मटेरियल ट्रांसफ़र होता है और यही मटेरियल फिर डेयर का डेयर के डेयर फूड बनता है लाइन का तो मटेरियल फिर किस में जाता है लाइन में तो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है ऐसे लेकिन मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ फूड है ना फूड ये एक्चुअली ये एक्चुअली एनर्जी भी कंटेन करता है तो यहाँ पे एनर्जी भी फ्लो हो रही है और मटेरियल भी आगे आगे चल रहा है अब देखिए यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए और यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी यूज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्चुअली यूज़ हो गया प्लांट ने यूज़ किया तो ये मटेरियल जो है ये आगे चलता है आगे चलता है, आगे चलता है अब लाइन में पहुंचा लाइन में पहुंचने के बाद यह और डेयर में भी है फिर इनकी जब डेथ होती है बैक्टीरिया और फंगी पे एक्ट करेंगे इनकी डेड बॉडीज़ पे और फिर ये वापस ये मटेरियल इसमें रिलीज़ करेंगे सॉयल में रिलीज़ करेंगे और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और बची खुची जो एनर्जी होती है वो एयर में रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो भी लास्ट में रिमेनिंग एनर्जी होती है तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है यहाँ पे जो एनर्जी है इसका फ्लो हो रहा है ये आगे चल रहा है लेकिन यहाँ पे जो ये मटेरियल है ये रिसाइकल हो रहा है ये रिसाइकल हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ एटमॉस्फेयर से शुरू हुआ आगे चल के ये वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो गया जैसे बीच बीच में भी रिलीज़ होता है डियर भी रेस्पिरेशन करता है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया गया फोटोसिंथिस में और इनको यूज़ किया फ़ोटो में है।, है ना बॉडी मटेरियल बनाने के लिए फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी जगह आ गया वापस साइकिल की तरह और ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं ये और फंजा एक्ट करके वापस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं एक तो एनर्जी का फ्लो होता है एनर्जी का फ्लो होता है लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ मटीरियल का मटीरियल मटीरियल जो है मटीरियल का साइकिल मैनर में मोवमेंट होता है यहाँ रिसाइकलिंग होती साइकिल साइकिलिक मूमेंट होता है ठीक है ये अब यहां पे यह समझ आना चाहिए आपको कि इसमें एक फिजिकली डिफाइंड स्पेस होती है यह मैंने दिखाया सपोज दिस इज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड एट एनी प्लेस जहां पे हम ये इंट्रेक्शन देख रहे हैं तो इट्स इज फिजिकली डिफाइंड स्पेस है इसमें लेकिन यह एक ओपन सिस्टम है ओपन सिस्टम क्या होता है कि ये एक क्लोज सिस्टम नहीं कि इसमें ना ही एनर्जी एंटर होगी और ना ही मटीरियल एंटर होगा एनर्जी एनर्जी एंड मटीरियल मेट एक मिनट एनर्जी एंड मटेरियल ना ही ये एनर्जी एंड मटेरियल बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी बाहर जा सकता है अगर एनर्जी एंड मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो कि इस इकोसिस्टम के एक मिनट इस इकोसिस्टम के बाहर हैं अगर उसके साथ एनर्जी एंड मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है तो फिर ये क्लोज्ड सिस्टम था लेकिन इन रियलिटी मटेरियल एंड एनर्जी इनका एक्सचेंज होता है एक्सचेंज होता है सो दिस इज़ नॉट अ क्लोज सिस्टम यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर है दिस इज़ एन ओपन सिस्टम जिसमें क्या है बायोटिक कम्युनिटी यहाँ पे डयर्स की पॉपुलेशन है लाइन्स की पॉपुलेशन है प्लांट्स की पॉपुलेशन है दैट इज़ बायोटिक कम्युनिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड है सॉइल है एयर है वाटर है, है सब कुछ है सनलाइट है हीट है टेम्परेचर है सब कुछ है दैट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे इंट्रैक्शनज़ हो रही हैं इंट्रैक्शन हो रही हैं देख आप देख सकते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ भी इंट्रैक्शन हो रही है देखिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया सॉयल से इन्होंने बाकी न्यूट्रेंट्स लिए यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं सॉयल में वापस ये न्यूट्रिएंट्स डाले गया कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया यहाँ यहाँ पे ये डियर वगैरह या लाइन ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल का जो इंट्रैक्शन जो होती है वो एबाटिक एनवायरनमेंट से भी होती है और बाद में इनके दरमियान भी होती है आप देख सकते हैं डेयर ने प्लांट का फूड खाया लाइन ने डेयर को खाया तो इनके दरमियान भी इनके दरमियान भी ये जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंट्रेक्शन इंट्रैक्शन कैसे होती है एक तो एनर्जी भी चलती है आगे आगे अपने अभी देखा एनर्जी फ्लो और रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल भी होता है तो ये है कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ दिस इको लेकिन यहाँ पर मैंने कंसेप्ट बताया कि ये सेल्फ सस्टेंड होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है ये क्या चीज़ है सेल्फ सस्टेंड एंड सेल्फ रेगुलेटिंग <coughs> ये क्या होता है ठीक so अब आप देखेंगे ये कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है देखिए यहाँ पे सपोज मैं दोबारा यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ यही फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इकोसिस्टम है यहाँ पे ठीक है इसमें ये प्लांट है प्लांट को डेयर कंज्यूम करेगा और डेयर को सपोज लाइन कंज्यूम करेगा ये मैं सिंपल आपके लिए बना रहा हूँ ओके इससे इजिली समझ आएगा अब यहां पे आप देखिए सेल्फ सस्टेन मीन्स आपको पहले यह समझ आना चाहिए कि इसमें अगर सस्टेनस अगर कंटिन्यूसली इस इको को रखना है तो इसको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए एनर्जी सोर्स और आपको पता है इकोसिस्टम को अगर सस्टेन करना है तो एनर्जी सोर्स तो उसका होगा ही अपना दैट मीनज इट इज़ सेल्फ़ सस्टे क्योंकि यहाँ पे जब हम सन की बात करते हैं इसमें बाज़बता एक एनर्जी सोर्स है कंटीनीस एनर्जी सोर्स ये नहीं कि एक ज़माने में धूप थी अब अब के ज़माने में धूप नहीं है बस जब भी एनर्जी सोर्स ख़त्म होगा जब भी एनर्जी सोर्स ख़त्म होगा इको फिनिश सो so, किसी भी एको को अगर सस्टेन होना है होते भी हैं सस्टेन इट इज़ बिकॉज ऑफ दर कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स क्लियर है नेक्स्ट इज सो इट इज़ सस्टेन कि कैसे करते हैं खुद को नेक्स्ट इज ये खुद को रेगुलेट कैसे करते हैं रेगुलेट कैसे करते हैं ये खुद को इको सिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी कैसे हैं ये आपको मैं ऐसे ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है वैसे नहीं आता है. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यही इको सिस्टम है ये प्लांट को डेयर कंज्यूम करता है डेयर को लाइन कंज्यूम करता है सन की एनर्जी आती है और यहां सॉइल में मटेरियल वगैरह है सारा अब देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहां पे भी है ना सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट यूज करता है और फोटोसिस तो अगर आप देख सकते हैं सान भी है यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं यहां पर याद रखेगा कि जितनी एनर्जी एनर्जी एंड मटेरियल एनर्जी इनपुट एंड मटेरियल मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी टू स्टार्ट फॉर फॉर प्रोड्यूसर्स ओके मतलब प्लांट्स के लिए स्टार्ट तो यहीं से होता है ना सारे फूड यहीं से स्टार्ट होता है प्लांट्स से तो एनर्जी इनपुट प्लांट्स के लिए और मटेरियल अवेलेबिलिटी जितनी होगी है कि, कि उस सिस्टम के मतलब सपोज प्लांट्स बहुत प्लांट्स हैं लेकिन सॉयल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है क्या प्लांट कैसे ज़िंदा रहेगा इसको चाहिए ज़िंदा रहने तो काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए तो इनका मतलब है दोनों चीज़ें एनर्जी इनपुट एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी जितनी ये होगी उतना ही ये इको ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस इको सिस्टम पे एक टाइम पे एक सिस्टम है जिसमें थाउजेंड सपोज किलो कैलरीज एनर्जी बढ़ रही है ठीक है इसमें अगर हम देखते हैं सपोज इसमें प्लांट्स बीस हैं डर इसमें बीस हैं और सपोज इसमें लाइन दस हैं फॉर एग्जांपल अब दूसरा एक इकोसिस्टम एक है जिस पे वन लाख सॉरी वन क्या लिख रहा हूँ लाख वन वन लाख किलो कैलोरी एनर्जी पड़ रही है ठीक है तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हंड्रेड होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेयर डेयर भी बहुत ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल फिफ्टी लाइन भी ज़्यादा होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल थर्टी तो याद ये समझ सकते हैं कि एनर्जी और मटेरियल का एंड मटेरियल का अगर इनपुट इंक्रीज होता है तो इसमें जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है ये डिक्रीज़ करेंगे तो उसमें इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होती है प्रोडक्टिविटी यही होता है कि कितना नंबर या मास है लिविंग ऑर्गनिज्म का इसमें वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको प्रोडक्टिविटी अच्छे से पढ़ना है ये एक तरीका है जिस तरीके से खुद को रेगुलेट करते हैं मतलब हर कोई इकोसिस्टम एक बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहा है अब दूसरा तरीका क्या है दैट इज थ्रू यह हो गया एनर्जी एंड मैटर इनपुट के जरिए दूसरा है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वाया फीडिंग फीडिंग रिलेशनशिप्स इससे भी कंट्रोल होता है इकोसिस्टम एक खुद को रेगुलेट करता है सपोज यहां पे प्लांट्स हैं इनको डेयर कंज्यूम करता है डेयर को लाइन कंज्यूम करता है सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइन जो है लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फॉर टाइमिंग अगर लाइन की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो आप मुझे बताइए डेयर की पॉपुलेशन को क्या होगा इंक्रीज़ होगी डिक्रीज इनको खाएंगे प्रेडेशन करते हैं इन पर तो डेयर की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है अगर डेयर की पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज होती है आप मुझे बताएं प्लांट्स की पॉपुलेशन को क्या होगा ये तो इंक्रीज होंगे फीडिंग रिलेशन मतलब एक दूसरे को खाने से ये खुद को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इस तरह से भी रेगुलेट करते हैं कि अगर ज़्यादा कहीं पे हो गया तो जब तक वो बराबर नहीं आते अपनी लेवल पे तब तक ये तब तक इस पर एक फोर्स रहता है बैलेंस करने का वो मैं सिखा रहा हूँ लाइन ज़्यादा हो गए डेयर कम हो गए लेकिन डेयर कम हो गए तो प्लांट्स इंक्रीज़ होंगे अब नेक्स्ट साइड से इसे देखते हैं ज़रा आप मुझे बताएं अगर डेयर कम होते हैं मुझे बताएं लाइन इंक्रीज़ हुए थे तो पहले लाइन इंक्रीज़ हुए थे फिर उन, उन्होंने डेयर उसको ज़्यादा खाया था तो डेयर नंबर अगर डेयर अब कम हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए लाइन क्या करेंगे लाइन क्या खाएंगे उनको डेयर खाने लेकिन डेयर कम हो गए तो लाइन अब अप वापस अपनी लेवल पे आएंगे ये दोबारा कम हो जाएंगे और यहाँ से देखते हैं अगर डेयर डेयर कम हो गए तो प्लांट्स का नंबर इंक्रीज़ हो गया इसका मतलब है जो बचे कुचे डियर हैं उनका नंबर अब जल्दी इंक्रीज़ होगा क्योंकि उनको ज़्यादा घास अवेलेब अवेलेबल होगा प्लांट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे ग्रो करने के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए तो वापस ये डियर का नंबर वापस इंक्रीज़ होगा जो पहले हुआ था कि लाइन इंक्रीज़ हो गए थे डयर्स को डिक्रीज़ किया था उन्होंने लेकिन ये वापस खुद ब खुद इकोसस्टम रेगुलेट किया थ्रू ट्रॉफिक मैकेज़्म इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच आपको कुछ नहीं याद रखना बस इतना तो ये जो है लाइनस इंक्रीज हुए थे खुद ब खुद डेयर्स डिक्रीज और डेयर्स को डिक्रीज किया था लेकिन ये खुद ब खुद ऐसे ही वापस उस सिचुएशन में आ गए कि लाइन भी अब अपने पुराने नंबर पे आ रहे हैं पुरानी नंबर पे आ रहे हैं और डेयर भी अब पुराने नंबर पे आ रहे हैं ठीक है तो ये इकोसिस्टम में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद को खुद ही रेगुलेट करते हैं ये अल्लाह तला का बहुत ही अच्छा निज़ाम है कोई भी नहीं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सपोज़ डियर मरते ही नहीं डियर ज़्यादा होते घास ख़त्म हो जाता ठीक है ना घास ख़त्म हो जाता फिर डियर वापस कम हो जाएंगे तो ये हर हिसाब से ट्राफिक लेवल्स पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटेन किया जाता है अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इससे समझ आता है कि हर कोई इकोसिस्टम कोशिश करता है कि वो अंदरूनी एक बैलेंस रखे इंटरनल बैलेंस रखे अगर बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आती है उसको अपोज करें और अपने अंदर जो बैलेंस है हाँ मुझे पंद्रह लाइंस हैं पंद्रह डेयर्स हैं पंद्रह घास हैं इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं देनी है चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए ये जो मेंटेन होता है इंटरनल इन्वामेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना बाहर के प्रोट्यूबरेंस या बाहर के डिस्टरबेंसेस को अवॉइड करके उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट डेट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस इसका मतलब है ये जो होते हैं इकोसिस्टम्स ये होमियोस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज इंटरनल सन हाँ इंटरनल प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट इंटरनल प्रॉपर्टीज चाहे ट्रैफिक लेवल में देखें डियर या कुछ भी सारी प्रॉपर्टीज अपनी कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं स्पाइट ऑफ क्या स्पाइट ऑफ ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस ओके डिस्टर्बेंसिस अब यहां पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया आई नो लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप हमें बताए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इज मोर हैविंग मोर साउंड होम्योस्टैसिस नीचे काफी सारे इकोसिस्टम दिए जाएंगे उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहां पे एक कंसेप्ट है कि होम्योस्टैसिस उस इकोसिस्टम का बेहतर होता है जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस होती है ज्यादा रेजिस्टेंस और ज्यादा रेसिलियंस होती है रेसिलियंस होती है रेजिस्टेंस मींस कि एक इकोसिस्टम एक है इसमें अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी काफी सारी बाहर से डिस्टर्बेंस आएगी डिस्टर्बेंस आएगी कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है क्लाइमेटिक चेंज या कुछ भी हो सकती है यह डिस्टर्बेंस इसको यहाँ पे ये क्या कोशिश करता है कि हाँ मुझे खुद को चेंज नहीं करना इन प्रॉपर्टीज़ को तो ये एबिलिटी टू नॉट टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस लेकिन एक बार ये चेंज हो गया फिर दोबारा इसे कोशिश करता है कि मैं दोबारा अपने नंबर पे आ जाऊँ अपनी लेवल पे आ जाऊँ अपनी लेवल पे आ जाओ इनिशियल लेवल पे एक वापस तो वापस उस स्टेट में आने को हम क्या कहते हैं रेसिलियंस वापस कितनी जल्दी ठीक है रेट एंड लेवल ऑफ लेवल कोई कोई इकोसिस्टम आता ही नहीं है अपनी लेवल में बराबर एंड स्टेट उस अपनी स्टेट में बराबर तो किस लेवल तक और कितना जल्दी आएंगे वो कहते हैं रेसिलियंस और जितनी रेजिस्टेंस और रेसिलियंस किसी भी इकोसिस्टम की ज़्यादा होती है उतना ही जल्दी वो होमस्टेसिस मेंटेन करता।, करता है और ज़्यादा देर तक मेंटेन करता है समझ आ रहा है अब ये सवाल पैदा होता है किस इको की रेजिस्टेंस और रेसिलियंस ज़्यादा होती है रिमेंबर द मोर कम्प्लेक्स जितने भी ज़्यादा कम्प्लेक्स इको होते हैं मोर कम्प्लेक्स इको सिस्टम मोर सीलियंस मोर कम्प्लेक्स इको सिस्टम इको सिस्टम द मोर कम्प्लेक्स इज इट रेजिस्टेंस एंड रेसिलियंस एंड है आपको मैं यहाँ पर एक सवाल कहता हूँ, सपोज यहाँ पर डेजर्ट है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, आपको मैं कहूँगा इन दोनों में से बताइए कौन सा इको सिस्टम होम ऐसे ज़्यादा बेहतर मेंटेन करेगा तो आप समझ सकते हैं कौन होगा वो मैं आंसर नहीं बताऊँगा ठीक है क्योंकि आप समझेंगे कंसेप्ट तभी बताएंगे दैट इज़ दिस अबाउट इको अब यहाँ पे कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा और भी बताऊँगा दैट इज़ अबाउट साइज ऑफ इको लेकिन पहले टाइम देखते हैं आई थिंक दिस इज़ एनफ अब मैं कंपोनेंट्स सभी इको सिस्टम जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे से कल क्लियर करूँगा पहले थोड़ा थोड़ा अभी हम पढ़ते हैं वंस यू गेट इन टू दिस सब्जेक्ट एक बार आपने इसको पकड़ लिया फिर मैं ज़्यादा भी पढ़ाऊँगा तो आप बोर नहीं हो जाएंगे ओके थैंक यू सो मच अगर कोई भी सजेशन हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिएगा आई विल ट्राई टू आंसर दैट थैंक्स लॉट